धनबाद में मास्क अप कैंप अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। इसमें मास्क नहीं पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। बिना मास्क पकड़े जाने वालों को कोरोना टेस्ट करवाना पड़ता है, फिर उन्हें हिरासत में रखा जाता है। धनबाद जिले में बढ़ते कोरोना को रोकने के लिए जिला प्रशासन मास्क अप कैंपेन चला रहा है। प्रशासन की टीम भीड़भाड़ वाली जगहों पर लापरवाह लोगों को पकड़ रही है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। मास्क अप कैंप से हड़कंप, मास्क नहीं पहनने वालों पर हो रही कार्रवाई, करवाना पड़ता है कोरोना टेस्ट, हिरासत में रखे जा रहे, जुर्माने के साथ बॉन्ड भी देना पड़ रहा। वैसे लोग जो भीड़भाड़ वाली जगहों पर कड़ाई के बाद भी मास्क नहीं लगा रहे, उनके लिए धनबाद जिला प्रशासन मास्क अप कैंपेन चला रहा है। प्रशासन ऐसे लोगों को पकड़कर गोविंदपुर जैप टीम में कोविड सैनिटाइजेशन कैंप में लाता है। यहाँ कोरोना जांच की जाती है और फिर पूरे दिन हिरासत में रखने के बाद जुर्माने के साथ बॉन्ड पर छोड़ा जाता है। आपके पास से माफ पहनेंगे साहब, गलती हो गया साहब, आइंदा ध्यान रहेगा। हाँ साहब, ध्यान रहेगा साहब। अरे ये आपकी जिंदगी है ना। हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ जोड़ते हैं साहब, आज के बाद से पहनेंगे साहब। बहुत जल्दी में थे, लेट हो गया था सर, पॉकेट में था, लगाने ही वाले थे सर। यही जल्दीबाजी जान भी ले रही है, गलती हो गया, मान रहे हैं, माफी। इसके लिए उड़नदस्ता की तीन टीमें बनाई गई है। ये अलग अलग जगहों में घूमती है और मास्क का जायजा लेती है। लापरवाह लोगों पर इश्तेहार भी जारी किया जाएगा ताकि कोरोना के खतरे से शर्मिंदा किया जा सके। 50 की संख्या में हम लोगों ने बसों में लोगों को अभी बिठाया है, उनको अस्थायी जो कैंप बनाया गया है जैप 3 गोविंदपुर में, वहाँ पे रखा जाएगा, उनकी टेस्टिंग की जाएगी, उनसे बॉन्ड भरवाया जाएगा और उनको वहाँ पे अवेयर भी किया जाएगा कोविड से रिलेटेड। काम थोड़ा कठिन है लेकिन डीसी इसे बखूबी निभा रहे हैं। इनके मुहिम से जिले में हड़कंप सा मचा हुआ है, लेकिन ये तो कहना ही होगा कि एक अच्छी शुरुआत है और यदि सारे जिले इसे अपना लें तो शायद कोविड पर कुछ हद तक लगाम लग सकती है। धनबाद से कुंदन के साथ अरुण वर्णवाल की रिपोर्ट।